बात हुई, पहली किश्त रक्षाबंधन पे, दूसरी किश्त करम पूजा पे, तीसरी किश्त। दोस्तों, झारखंड में अभी चुनावी माहौल है और राजनीतिक बाजार गर्म है। देश के बड़े बड़े पत्रकार झारखंड में आ रहे हैं और लोगों के राय मशवरे सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और नेताओं के इंटरव्यू भी ले रहे हैं। वर्तमान सरकार थी जेएमएम की और जिसका मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पूरे 5 साल की कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में एक योजना पास होती है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को, माओ बहनों को प्रत्येक महीने 1,000 की राशि मिलती है। लेकिन दोस्तों, जेएमएम सरकार ने चुनाव से 1 महीने पहले ये विधानसभा में पास कर दिया था कि अब 1,000 की जगह 2,500 मिलेगा महिलाओं को, माओ और बहनों को। दोस्तों, मैया सम्मान योजना की 3 किस्त आ चुकी है और 4थी किस्त आने वाली है। लेकिन आज दोस्तों, जब प्रज्ञा मिश्रा ने कल्पना सोरेन की इंटरव्यू ली और उस इंटरव्यू के दौरान मैया सम्मान योजना की जिक्र हुआ, लेकिन कल्पना सोरेन ने 2,500 का जिक्र नहीं किया, मात्र 1,000 का जिक्र किया। लोग इस इंटरव्यू के बाद सस्पेंस में कि 1,000 आएगा या 2,500 आएगा। कल्पना सोरेन ने 2,500 की बात कहीं नहीं की, मात्र 1,000 की बात की। देखिए दोस्तों, कल्पना सोरेन की इस इंटरव्यू को। आपको मैं बताना चाहूँगी, 3 अगस्त था, हाँ जी 3 अगस्त था जब पहली हमारी इस योजना की शुरुआत हुई। पहली किश्त रक्षाबंधन पे, दूसरी किश्त करम पूजा पे, तीसरी किश्त दुर्गा पूजा पे, अब 4थी किस्त आने वाली है, अभी है छठ पर्व में, ये 1,000 रुपये की राशि। और एक परिवार में अगर एक से ज़्यादा महिलाएं हैं, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, और तो आप सोच लीजिए, आप उनको जोड़ लीजिए, एक परिवार, एक महिला को अगर आप आर्थिक तौर पे मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सम्मान देने का काम, ये 1,000 रुपये की बात नहीं, आप देखिए ना कि ये उस सोच की बात है कि कहीं ना कहीं झारखंड में एक ऐसा बेटा है, झारखंड में एक ऐसा भाई है जो मुख्यमंत्री पद पे है, लेकिन वो काम करता है भाई के तौर पे, वो काम करता है अपने बेटा के तौर पे। तो मुझे लगता है ये थोड़ी संवेदनशील बातें भी हैं, और क्योंकि वो व्यक्ति ही बहुत संवेदनशील है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, आपको और हेमंत जी को बंटी बबली कहते हैं, क्या कहेंगे आप? दोस्तों, कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना के बारे में 1,000 बात की, 1,000 के बदले 2,500 की बात नहीं की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 4थी किस्त 1,000 या 2,500? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको कल्पना सोरेन की फुल इंटरव्यू देखनी है तो उल्टा चश्मा पर जाएं, प्रज्ञा मिश्रा का चैनल है।